Good morning, dear students. Today we will discuss about our next exercise, dear, which is exercise 3 from our chapter number 3, the snake boat races in Kerala. Okay, so our exercise is think and answer. So dear students, we have to firstly think that hamara jo question hai wo humse kya puchna cha raha hai, what he wants to ask to us, and after that we have to answer that question, that particular question. Okay, सो फिर हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करना है. सो इन अवर एक्सरसाइज डियर वी हैव 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द ब्राह्मण बिलीव दैट द पुअर बॉय वॉज लॉर्ड कृष्णा. ब्राह्मण को ऐसा विश्वास क्यों था कि जो बच्चा है, गरीब बच्चा था, वो भगवान कृष्णा था, यानी कि लॉर्ड कृष्णा का ही रूप था. द ब्राह्मण दैट बिलीव्ड दैट द पुअर बॉय वॉज लॉर्ड कृष्णा. ब्राह्मण को बिलीव था क्योंकि जो गरीब बच्चा है वो लॉर्ड कृष्णा था या फिर भगवान कृष्ण थे. बिकॉज क्योंकि द बॉय हैड डिसअपियर्ड. डिसअपियर्ड का मतलब होता है बेटा गायब हो जाना. आफ्टर ईटिंग हिज मील, मील होता है खाना, वो अपना खाना खाने के बाद जैसे ही गायब हो गया था तो उनको लगा कि ये बच्चा जो है भगवान का रूप है. द बॉय वॉज अगेन सीन एट द अरनमुला टेम्पल. जो अरनमुला फेमस टेम्पल है वो उस बच्चे को फिर से वहाँ देखा गया और क्या पाया गया बेटा, दैट एंड ही अगेन डिसअपियर्ड. फिर जैसे ब्राह्मण ने उसको दोबारा वहाँ टेम्पल पे देखा, मंदिर में देखा, वो फिर से गायब हो गया. ठीक है, फिर जो ये ब्राह्मण है उनको बिलीव हो गया कि जो बच्चा है वो कौन था, लॉर्ड कृष्णा थे. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन अवर क्वेश्चन नंबर 2 डियर. What is special about the Paludium? Paludium जो है बोट होती है, उसके बारे में क्या स्पेशल है. Paludium bought seals from Katurmana. Seals का मतलब होता है बेटा जब भी हम जल यात्रा के लिए किसी भी चीज़ को भेजते हैं. सेल्स का मतलब होता है जल यात्रा. जैसे कि जो बोट है वो पानी में ही चलती है. अब उसमें हमने खाना डाल के भेजा, सेल किया कटुरमना एक जगह है वहाँ से. When it sticks in the river while carrying food. जब उसमें खाना रखा हुआ था और वो क्या हो गई बेटा, स्टिक, यानी कि अगर वो रिवर में फंस जाए, रुक जाए. स्टिक का मतलब होता है फंस जाना, रुक जाना. इट कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर. और उसको सिर्फ वहाँ से जो मूव है उसको हिलाया कैसे जा सकता है. ऑफरिंग फूड टू द हंग्री फैमिली लिविंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर. अगर उस नदी के किनारे कोई भी भूखा परिवार रहता है, ठीक है, तो उनको जब खाना खिलाया जाएगा केवल तभी जो वो बोट है वो आगे मूव कर सकती है. अदरवाइज़ वो वहीं स्टिक हो जाएगी, वो वहीं फंस जाएगी. ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन अवर क्वेश्चन नंबर 3. ओके, नेम वन फेस्टिवल दैट यू लाइक टू सेलिब्रेट विद योर फैमिली. एक ऐसा फेस्टिवल बताएं जो आप अपनी फैमिली के साथ मनाना पसंद करते हैं. ठीक है, What are the special things you do on that day? और उस दिन आप क्या क्या अच्छी अच्छी special special चीज़ें करना चाहेंगे. I like to celebrate festival of Holi with my family. So in our India we celebrate a festival which is Holi and we call Holi color festival, यानी कि रंगों का त्यौहार है. सबको पसंद है होली. तो मैं अपनी फैमिली के साथ क्या करना चाहूँगा या चाहूँगी, होली का फेस्टिवल मनाना चाहूँगी या चाहूँगा. I go to worship. वर्शिप होता है बेटा प्रे करना भगवान से. ठीक है, ऑफ वुड दैट इज़ कॉल्ड गॉडेस होलिका. हम जो होलिका माता है उसकी पूजा करते हैं. ठीक है, बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं और वहाँ जाके पूजा करते हैं. नेक्स्ट डे, अगले दिन वी सेलिब्रेट होली. हम होली सेलिब्रेट करेंगे यूजिंग वाटर एंड गुलाल. फिर उससे नेक्स्ट डे हम जो मनाते हैं उसको हम बोलते हैं बेसिकली दुलंडी. उस दिन हम क्या करते हैं, पानी के साथ और कलर्स के साथ क्या करते हैं, होली मनाते हैं. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एन एसे. एक एसे है बेटा विच इज़ बेस्ड ऑन COVID-19, दैट इज़ कोरोना वायरस. आज हमारा जो इंडिया है, पूरा ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड है, वो फाइट कर रहा है एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि सबसे बड़ी डिजीज़ जो है, पैंडेमिक है, यानी कि महामारी है जो है कोरोना वायरस. ठीक है, सो आज हम उसके ऊपर ऐसे करेंगे और ये ऐसे आपको लर्न भी करना है और राइट भी करना है आपकी फेयर नोटबुक में. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन की कि कोरोना वायरस है क्या. ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ न्यू डिजीज़ दैट इज़ COVID-19 इज़ अ पैंडेमिक.
बेटा पैनडेमिक होता है महामारी होना, एक बहुत बड़ी बीमारी जो हर जगह फैली हुई है, ठीक है, जिसका नाम है COVID-19, जिसको हम बोलते हैं कोरोना वायरस। ठीक है, आउटब्रेक का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज़ का, मतलब कि धमाका होना या फिर कोई भी चीज़ फैलना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आजकल क्या फैली हुई बीमारी जिसे हम फाइट कर रहे हैं वो है COVID-19। सेकेंड पॉइंट इज़ डियर, COVID-19 वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी इन चाइना। अब जो एक देश है चाइना, उसमें एक सिटी है बेटा, शहर है वुहान, और जो एक COVID-19 है बेटा, जो कोरोना वायरस है, वो सबसे पहले वहीं पाया गया था दिसंबर के महीने में 2019 में। ठीक है, यहाँ से उसकी शुरुआत हुई। इट इज़ स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, और ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है जो कि ऑलमोस्ट पूरे विश्व में फैल चुकी है। टिल नाउ, और अभी तक नो प्रॉपर ड्रग, ड्रग का मतलब होता है बेटा दवाई, ठीक है, वैक्सीन भी होती है दवाई, यानी कि ड्रग एंड वैक्सीन वो मेडिसिन्स होती है, वो दवाई होती है जो कि हमारी जो डिजीज़ है, हमारी जो बीमारी है, उसको ख़त्म करने में हमारी हेल्प करती है। हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिज़ीज़, और अभी तक ना तो कोई ऐसा ड्रग ना ही कोई वैक्सीन जो है अभी तक रेडी हुई है इस ट्रीटमेंट से लड़ने के लिए, इसको दूर भगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डियर हम सिम्टम्स, यानी कि ऑफ COVID-19 RS फॉलोइंग। सिम्टम्स होते हैं बेटा, जब भी कोई बीमारी होती है तो उसके कुछ ना कुछ चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं, लक्षण होते हैं, ठीक है, कि उससे हमें पता चलता है कि हाँ आई थिंक इस इंसान को ये बीमारी है, इसको फीवर है तो इसकी बॉडी पेन कर रही है, आईज रेड हो गई है। वैसे ही जो कोरोना वायरस है बेटा, उसके भी सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ फीवर, यानी कि बुखार, कफ यानी कि ठंड लग जाना, जैसे कि जुकाम हो जाना, खांसी हो जाना, कफ एंड कोल्ड, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस फूलना। ठीक है, यानी कि सांस जो है उनको बिल्कुल कम लेना, यानी कि आर कॉमन सिम्टम्स, ये बिल्कुल कॉमन सिम्टम्स है कि फीवर हो जाता है, बुखार आ जाता है, ठीक है, ठंड लगती है, जो गले में है खांसी हो जाती है, जो सांस है वो अच्छे से नहीं ले पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट का मतलब होता है बेटा इनसे अलावा, इनके अलावा और भी सिम्टम्स हैं जो कि COVID-19 के, जैसे कि फटीग, फटीग होता है बेटा आपकी पूरी बॉडी में पेन होना, मस्कल पेन, आपकी मसल्स में पेन होना, डायरिया हो जाना, सो ये भी जो हैं COVID-19 के पेशेंट्स में ये जो सिम्टम्स है देखे गए हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस डिजीज स्प्रेड मेनली थ्रू द ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स क्या होती है, बूंदे जनरेटेड जो कि पैदा होती हैं फ्रॉम कॉट और कोल्ड, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, कॉट की जगह बेटा यहाँ पे आएगा कफ, COUGH, कफ। ठीक है, जब भी आपको खांसी होती है, ठीक है, और आप स्नीज करते हो, आप छींकते हो, तो आप क्या करते हो, वो चीज़ें जो हैं वो एयर में फैल जाते हैं, वो वायरस। ठीक है, तो जब भी कोई COVID-19 का पेशेंट होता है बेटा, वो छींकता है, ठीक है, और जब वो छींकता है तो उसका जो वायरस है वो हवा में फैल गया। अब उसके कांटेक्ट में, उसके जो छींकने से जो ड्रॉपलेट्स, बूंदे बाहर एयर में जो स्प्रेड हुई हैं, उनके अगर कांटेक्ट में कोई भी आ जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, कोविड पेशेंट हो जाता है, उसको भी कोरोना वायरस हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ अ हेल्दी पर्सन मे गेट इन्फेक्टेड बाय ब्रीदिंग द वायरस। अब कोई हेल्दी पर्सन भी होगा और उस वायरस को ब्रीद कर लेगा, यानी कि सांस ले लेगा, तो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा। इफ़ अ हेल्दी पर्सन इज़ विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter और सो, अगर कोई हेल्दी पर्सन है, ठीक है, वो 1 meter के डिस्टेंस पे है या फिर उससे थोड़ा सा दूर है ऑफ अ COVID-19 पेशेंट, बट फिर भी अगर वो इस वायरस को ब्रीद कर लेता है बेटा, सांस ले लेता है, तो वो वायरस उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद है वी नीड टू टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ COVID-19। प्रिवेंट का मतलब होता है बेटा बचाओ। अब COVID-19 से बचाव के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है, अब हम वो देखेंगे। वॉश हैंड्स रेगुलरली विद सॉप और सैनिटाइजर। अपने हाथों को आपको डेली 20 मिनट्स, 15 मिनट्स के ब्रेक में धो लेना चाहिए सॉप से, साबुन से, और इफ़ यू हैव सैनिटाइजर तो सैनिटाइजर से भी।
कवर योर नोज़ एंड माउथ, जैसे कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है, अपने माउथ को नोज़ को कवर रखे वाइल स्नीजिंग, जब आपको छींक आए. कीप अ डिस्टेंस 1 to 3 meters फ्रॉम पीपल हु आर नॉट वेल. और जो लोग ठीक नहीं है, जिनको फीवर है, तो उनमें ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर आप देख पा रहे हो तो आपको उनसे दूरी बना के रहना चाहिए. वियर अ मास्क, आपको अपने मुंह पे मास्क पहनना चाहिए जब भी आप किसी भी COVID-19 के पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं. उसके बाद एक पॉइंट है बेटा, इम्यूनिटी हैज़ अ बिग रोल इन गेटिंग क्योर्ड. क्योर्ड का मतलब होता है ठीक होना किसी भी बीमारी से. इम्यूनिटी होती है बेटा, हमारी बॉडी में जो भी कोई डिजीज़ है, बीमारी है, ठीक है, उससे जो लड़ने की एबिलिटी हमारे अंदर होती है ना, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी जो है हमारी, वो सबसे ज़्यादा जो है बड़ा रोल जो है वो निभाती है, ताकि हम अपनी जो बीमारी है उससे फाइट कर सके. तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, फ्रेश फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है, अपनी सफाई रखनी चाहिए, अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए. कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, अब हमने क्या सीखा कि COVID-19 जो है उससे जो हमारा जो पूरा इंडिया है वो बिल्कुल स्टॉप हो चुका है, बंद हो चुका है, और जितना जल्दी हम इससे बाहर निकलेंगे उतना ही जल्दी हमारा जो इंडिया है वो फिर से मुस्कराएगा, फिर से हैप्पी हैप्पी होगा, ठीक है. द पैनडेमिक COVID-19 हैज़ स्टॉप द वर्ल्ड. इस महामारी ने पूरे विश्व को बंद करके रख दिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़रूरी है दैट वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कि हम इस सिचुएशन से ओवरकम करें और जल्दी से इस सिचुएशन से बाहर निकले, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना. सो स्टे होम एंड फॉलो द लॉकडाउन रूल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, अपने घर पे रहिए और जो लॉकडाउन रूल्स हैं प्लीज़ उनको फॉलो करें, ताकि हम जल्दी से फाइट बैक कर सके और अपना इंडिया फिर से मुस्कुरा सके, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको ये अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है, आपको लर्न भी करना है, ओके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सेफ डे.